मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एंडोमेट्रियल पॉलिप, यूट्राइन पॉलिप या जिसको हिंदी में मत्सा भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनका क्या सिम्टम्स होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एंडोमेट्रियल पॉलिप है वो मेनली यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, ये यूट्रस है, इसकी तीन लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, सेकंड जो ये मसल्स वाली लेयर है, और सबसे अंदर ये एंडोमेट्रियम लेयर है। तो इस एंडोमेट्रियल लेयर में ये पॉलिप मिलते हैं। अब ये पॉलिप हो क्यों जाते हैं? पेशेंट कई बार कहते हैं कि मैडम हमने कुछ ऐसा खाया भी नहीं, कुछ ये भी नहीं किया, ये पॉलिप हमारे यहाँ कैसे आ गए यूट्रस में। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक ऐसी ईटियोलॉजी अननोन है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि इस कारण से आपको पॉलिप हुए हैं। मेनली दो चीज़ें होती हैं जो यूट्रस में एंडोमेट्रियल पॉलिप को बना देती हैं। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उस पर दो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। जो फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है पीरियड्स के बाद, वो क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो सेल्स होती है उनको पॉलीफ्रेशन करता है, यानी कि बढ़ाता है। जब इस हार्मोन में इम्बेलेंस हो जाता है तो कई बार एंडोमेट्रियल पॉलिप बन जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से भी एंडोमेट्रियल पॉलिप हो जाता है, एंडोमेट्राइटिस। तो अभी तक अननोन है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप कैसे होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, किसी भी लेडी को कैसे पता चलेगा कि उसके एंडोमेट्रियल पॉलिप है? ये सिम्टम लेस होता है, मतलब इसका कोई सिम्टम नहीं होता, पर कई बार आपको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होने लगती है, या जैसे आपका पीरियड रुक गया है, पोस्ट मेनोपॉज है आप, और उसके बाद भी आपको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है, तो हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि पॉलिप है। इस तरह से देखा कि आपने इसका सिम्टम भी नहीं है कि स्पेसिफिक कोई सिम्टम हो। अब ये जो पॉलिप है, ये एंडोमेट्रियल यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, पेडेंकुलेटेड भी हो सकता है, वेस्कुलर भी हो सकता है, ओस्टिया, उनकी लोकेशन डिफरेंट जगह हो सकती है, ओस्टिया पे हो सकती है, फंडल पे हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है, सर्वाइकल हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप का सबसे बेस्ट डायग्नोसिस करने का तरीका है अल्ट्रासाउंड। जब भी कोई इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, TVS करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे उसके यूट्रस में तो पॉलिप है। तो पेशेंट घबरा जाता है, मैडम ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो हम उसे समझाते हैं कि इस तरह से हो गया। अब कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या इसमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने भी पॉलिप होते हैं वो बिनाइन ग्रोथ होते हैं, यानी कि उसमें कैंसर की संभावना बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही कम होती है। पर अगर पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में अगर पॉलिप होता है तो उसमें कैंसर की संभावना 0.5% तक हो सकती है। तो उस समय हम अगर उनका पॉलिप निकालते हैं तो उसको हम मैलिग्नेंसी के लिए, टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। पर जो यंग एज में पेशेंट्स को पॉलिप की समस्या है तो वो बिनाइन ग्रोथ है, उसमें कैंसरस सेल्स होने की या कैंसर होने की बहुत कम चांसेज हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सिंपल होता है। इसमें एक दूरबीन होती है जिसको हिस्टेरोस्कोप बोलते हैं, वो आपके सर्विक्स से यूट्रस में ले जाया जाता है, और इसके बाद जो पॉलिप होता है उसको कट कर दिया जाता है। तो इसको हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी कहते हैं। एक डे केयर प्रोसीजर होता है, यानी कि आप मॉर्निंग में एडमिट होते हो और कुछ घंटे हॉस्पिटल्स में रह के चले जाते हो। इसके अलावा इसमें कोई पेन नहीं होता आपको, कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता। तो आप समझ गए होंगे कि ये केवल आपके सर्विक्स के थ्रू एक हिस्टेरोस्कोप जाता है जो कि पॉलिपेक्टोमी कर देता है। और इसके बाद आपकी जो भी जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है या इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो इनफर्टाइल कपल आते हैं, उनका जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या कई बार HSG की वो पिक्चर लेके आते हैं तो वो हम देखते हैं तो हमें एक ओबेसिटी सी दिखती है यूट्रस में, या अल्ट्रासाउंड में तो काफ़ी क्लियर पॉलिप दिख जाता है। तो हम उन्हें बताते हैं कि पहले आप पॉलिप रिमूव करो, उसके बाद ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिप होता है ये इनफर्टिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कई बार इसकी वजह से आपके IVF फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपना IVF करो, इस पॉलिप को ज़रूर रिमूव कराओ।
पॉलिप से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।